नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। और भारत अंतरिक्ष में लगाने वाला है ऐतिहासिक छलांग। 40 साल बाद भारत के 4 टेस्ट पायलट अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इन पायलटों और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया के सामने पेश किया। इनमें प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। 1984 में सोयूज T-11 पर राकेश शर्मा की ऐतिहासिक यात्रा के बाद बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय बनने वाले हैं, ये 4 लोग। इस ऐलान के साथ ही भारत 4 देशों के उस क्लब में शामिल हो जाएगा जो खुद की तकनीक से अंतरिक्ष में यात्रियों को उड़ा सकते हैं, भेज सकते हैं। पीएम मोदी ने साल 2018 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से मिशन गगनयान का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश साल 2022 में जब अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में फहरा रहा होगा। प्लान यह था कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन स्पेस में रहना था और फिर वापस आना था। हालांकि इस पूरे काम को करने के लिए बेहद जटिल तकनीक और ऑर्बिट कैप्सूल की जरूरत थी। अंतरिक्ष यात्रियों को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत थी। साल 2019 में अंतरिक्ष में भेजने के लिए कुल 12 लोगों को चुना गया। ट्रेनिंग शुरू हुई तो अलग अलग स्तर पर लोगों की छटनी की गई और केवल 4 लोग ही आखिर में रह गए। 2020 में चारों पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया, लेकिन तभी कोविड आ जाने से इनकी ट्रेनिंग की रफ्तार रुक गई। बल्कि भारत में इस मिशन के लिए इजाद करी जा रही तकनीक और मशीनों पर भी ब्रेक सा लग गया। कोविड की वजह से 2022 का जो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था, उसे हासिल करने में भारत थोड़ा सा चूक गया। कोविड जाने के बाद चारों पायलट्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। इसरो भी लगातार रिसर्च कर रहा था और नई तकनीक हासिल कर रहा था। इस साल जनवरी में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ऐलान किया कि साल 2024 गगनयान की तैयारी का साल होगा। ये आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को स्वीकार करने का वादा था। गगनयान अंतरिक्ष में भारतीयों के जाने का पहला कदम है। जोखिम भरा तो है, लेकिन भविष्य के कई सपने इससे जुड़े हुए हैं। अगला कदम 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। साथ ही इस तरह के प्रोजेक्ट से भारत की साख दुनिया भर में और बढ़ेगी। दूसरे देशों के स्पेस प्रोग्राम की तरह कई लोग भी स्पेस प्रोग्राम को लेकर यहां भी उत्साहित नहीं रहते। स्पेस प्रोग्राम का विरोध करने वाले कहते हैं कि बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के भी स्पेस प्रोग्राम भेजा जा सकता है, जबकि इसका इंसान के अंतरिक्ष में जाने का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि अगर अंतरिक्ष में रॉकेट में किसी भी तरह की खराबी आती है या मशीन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मशीन उसे ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान मिशन के साथ जाता है तो वो आसानी से यान में आई किसी भी परेशानी को सुलझा सकता है, यान को ठीक कर सकता है और यान अपने मकसद को पूरा कर सकता है। तो गगनयान भारत के लिए केवल वैज्ञानिक उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी हैं। गगनयान वैसे तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा ही, लेकिन एक मायने में ये बेहद खतरनाक मिशन भी है। यही वजह है कि गगनयान के साथ जाने के लिए चुने गए 4 टेस्ट पायलट्स को देश विदेश में बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन किसी भी देश की तकनीक को बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है और युवा पीढ़ी को नई तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। इसकी मिसाल अमेरिका के अपोलो मिशन से मिलती है। को याद होगा, अपोलो मिशन ने न केवल अमेरिका में उभरती माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, बल्कि वेलक्रो फास्टनर्स जैसी रोजमर्रा की चीजों को भी जन्म दिया। भारत का स्पेस में जाने का सपना इसरो की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित करेगा। गगनयान कार्यक्रम अंतरिक्ष खोज के इतिहास में एक सही समय में उभर रहा है। एक दशक से अधिक समय से अमेरिका में मुट्ठी भर प्राइवेट प्लेयर्स ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के धंधे पर एक अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कर्मचारियों को लाने ले जाने में उनकी मोनोपोली है। बोइंग भी स्पेस के बाजार में अप्रैल 2024 में उतर जाएगा। ड्रैगन और स्टार लाइनर दोनों इसरो के गगनयान कैप्सूल के बराबर है, जो अभी भी बनने के फेज में है। इसके अलावा कमर्शियल स्पेस स्टेशंस के लिए कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स फिलहाल चल रहे हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन दोनों अंतरिक्ष यान डिजाइन कर रहे हैं जो लोगों को चंद्रमा पर ले जा सकते हैं। बस अब वो वक्त नजदीक ही है जब कुछ भारतीय चेहरे आपको चंद्रमा पर नजर आने वाले हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।